ग्राम कोपरा चांदा भाटा तर्रा रोड में 40 परिवार हैं जो आज तक अपने भूमि की पट्टा की मांग को लेकर और उस भूमि पर अपना मालिकाना हक के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोपरा गांव के वार्ड नंबर 9 में दलित परिवार हैं। इनकी मांग सिर्फ यह है कि जिस भूमि पर ये लोग निवास कर रहे हैं उस भूमि का अधिकार पत्र मिले। आज तक के हम पट्टक मांग गए थे और शुरू से पट्टक मांग गए थे, लेकिन गांव वाले मन पट्टा नहीं देना चाहते। पट्टा नहीं मिले तो सरकार के कोई लाभ ही नहीं मिली, सरकार से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हैं कोई कार्ड बना थे, जैसे कि स्मार्ट कार्ड बना थे या कहीं कार्ड बना थे, अस्पताल में इलाज फिलाज करवाए तो हमारे वो सरकार है, जब ये नहीं माना थे तो अस्पताल वाले डॉक्टर घलोक नहीं मानो कहीं तो हमारे पूरा परिवार मर गए। नहीं पंचायत के अनुमति से यहाँ विद्युत सब स्टेशन के निर्माण करवाई, आंगनबाड़ी केंद्र दो जगह खुल गए, उकर उपरांत हम इतना दिनों से पट्टा के मांग करते आवा था, हमें स्थायी पट्टा प्रदान करे, ये समस्या के निराकरण नहीं कर पावते ग्राम सभा न सरकार नहीं कर पाते। ग्राम सभा में प्रस्ताव वगैरह करवाए हो कि नहीं करवाए? करवा था 2011 में, तभी नया सरपंच आए तेन है, उसमें पुराना सरपंच दे है, मैं पास नहीं कर रहा हूँ, मैं नियम दस्तखत कर रहा हूँ, ऐसे बोले। मंत्री जी का निर्देश आता है कि कलेक्टर को देता है, कलेक्टर ग्राम सभा को देता है, ग्राम सभा मान्य ग्राम पंचायत कोपरा के सरपंच को देता है, ग्राम पंचायत कोपरा के सरपंच उसको कागज को उल्लंघन कर देता है। हमारे मन के मांग है कि यहाँ के सरपंच ग्राम सभा में पहले प्रस्ताव कराए, नजरी नक्शा बनवा के सीधा आबादी घोषित के लिए तहसीलदार को, माननीय तहसीलदार साहब को प्रेषित करें। मैं चाहती हूं इन दलित परिवारों को पट्टा मिले और इसके लिए ग्राम कोपरा के सरपंच को उनके मोबाइल नंबर 9755137993 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं रीना रामटेके, ग्राम कोपरा, जिला गलियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।